हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु और आप देख रहे हैं तूफान स्पोर्ट्स। मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूं। आप सोच रहे होंगे गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ ये है कि BCCI ने IPL के प्लेऑफ्स के शेड्यूल अनाउंस कर दिए हैं और ये शेड्यूल होने वाला है 23 मई से 28 मई तक का। और इस बीच ये दो ही स्टेडियम्स में खेले जाएंगे, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब बात करें क्वालिफायर फर्स्ट की, तो ये 23 मई को खेला जाएगा जो कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। हम अगले दिन भी चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में ही रहेंगे एलिमिनेटर खेलने, फिर उसके बाद फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद आ जाएंगे 26 तारीख को क्वालिफायर टू देखने या खेलने, जो टीम क्वालिफाई करे। और उसके बाद सीजन का आखिरी मैच समाप्त करेंगे वहीं खेल के, जो कि होने वाला है फाइनल्स 28 तारीख को, और ये होने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही। अब बात करें कौन सी टीम्स क्वालिफाई करने वाली है। बाकी टीम्स का तो नहीं पता, बट मेरे हिसाब से दो टीम्स तो पक्का क्वालिफाई करने वाली है, वो है RR और LSG। अगर RR और LSG की बात करें तो ये दोनों टीम बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है सारे सराउंडिंग से अपने। और बात करें भीड़ की, जो पॉइंट्स टेबल पे लगी हुई है 6 और 4 की, उससे अलग ये अपनी 8 की रेल दौड़ाए जा रही है। और हाँ, एक और टीम ज़रूर क्वालिफाई कर सकती है, जो कि है चेन्नई। आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्यों भाई, फेवरेट टीम यार। इसलिए मैं चाहता हूं कि चेन्नई जरूर क्वालिफाई करे और मैं चाहूंगा कि वो टॉप 2 में ही क्वालिफाई करें। आप कमेंट्स में बताएं कि आप किन 4 टीमों को देखना चाहते हैं क्वालिफाई करते हुए और प्लेऑफ्स खेलते हुए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहे तूफान स्पोर्ट्स, खेलो तूफान से।